जब मार्च महीने में आकर इन्होंने वचन को पूरा किया, क्या किया बोलो, तो खुदा ने एक साल की उस शर्मिंदगी से फ्री किया। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम गुरप्रीत है और जो नबीपुर के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि एक साल से इनके गुप्त अंग में खारिश की प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा भयानक खारिश थी। जे बता रहे इसके लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खा ली थी और जे बता रहे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जे बता रहे कि इसके कारण जे बता रहे इनको अपने आप से स्मेल भी आती थी, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आनी शुरू हो गई थी, और जे काफ़ी परेशान हो चुके थे कि मेडिसिन भी इतनी खा ली पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जे बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने फरवरी मंथ में पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ जब मीटिंग की और अपनी प्रॉब्लम को बताया, तो परमेश्वर के दास ने इनको वचन दिया कि जैसे कि परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड है कि जो इस कि जो कि जब भी प्रभु बोस की मीटिंग होगी और उसके एक हफ्ते बाद ही चर्च भवन में प्रेयर होगी, और जिन लोगों के भी कोई प्रॉब्लम है वो अपनी फॉर्म पर लिखाए, तो इनको बताया गया कि अपनी प्रॉब्लम फॉर्म पर भी लिखानी और प्लस प्रेयर में आना है, तो परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा देंगे। पर जे बता रहे कि इन्होंने सीख तो लिया था पर जे कर नहीं पाए, जे फरवरी मंथ में पहुंच नहीं सके, ना तो अपनी प्रॉब्लम लिखवा सके ना ही प्रेयर में आ सके। और जे बता रहे फिर इन्होंने इस वचन को मार्च मंथ में पूरा किया, जैसे मार्च महीने की मीटिंग थी प्रभु बोस के बाद एक हफ्ते की भवन में प्रेयर रखी थी, और जैसे इन्होंने फिर उस मीटिंग में आकर अपना फॉर्म फिल कराया और प्लस 3 दिन इन्होंने प्रेयर में आए, और जे बता रहे कि जैसे जे इन्होंने प्रेयर में आना शुरू किया और 3 मीटिंग अटेंड की, और जैसे ही फॉर्म के ऊपर जो इनकी प्रॉब्लम लिखी गई थी कि एक साल से इन्हें खारिश की प्रॉब्लम रहती है, तो जे बता रहे कि जैसे इनके फॉर्म पर प्रार्थना होती थी और जे रिसीव किया, इन्होंने विश्वास किया और प्रार्थना में भी अपना मन लगाया, तो जे बता रहे कि परमेश्वर ने एक साल की जो इनके गुप्त अंग में खारिश की प्रॉब्लम थी, बहुत ही भयानक प्रॉब्लम थी, बैड स्मेल आती थी, और जे बता रहे आज पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इन्हें आज़ाद कर दिया, और आज एक महीने से प्लस हो गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से जो वचन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया जब इन्होंने पूरा किया, तो आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। तो सच में इग्लेसिया, जब भी परमेश्वर आपको वचन देते अपने दास के द्वारा, तो कभी भी उसे अनसुना ना करें, उसे पूरा करें। तो जब हम पूरा करते तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करते, और जैसे इन्होंने पूरा किया तो आज परमेश्वर ने इनको इनके जीवन से इस बीमारी से इनको आज छुटकारा दे दिया। तो सच में इग्लेसिया हम जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, अपने हाथों को हिलाते हुए इस खुदावन परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मैं आज गवाही सुन रहा था, उस बहन को आगे लेकर आऊं उसे, जिसकी गवाही सुनी हमने फॉर्म की, क्योंकि जो परमेश्वर देता है अगर लोग उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे तो फिर विश्वास से वो भी पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। कितने मेरी बात समझ रही हैं? क्योंकि इन्होंने फरवरी महीने में सुना तो जरूर, पर ये उस वचन को पूरा नहीं कर पाई। बोलो क्या नहीं कर पाई? फरवरी महीने में सुना तो जरूर, पर मैंने कहा ये पूरा नहीं कर पाई। पर नेक्स्ट जब मार्च महीना आया, फरवरी के बाद क्या आया, मार्च महीना, तो मार्च के महीने में प्रभु बोस की मीटिंग के बाद जब एक हफ्ते की प्रार्थना होती है तो उसमें ये आई, अपनी सुनी इनकी गवाही कि एक साल से जो गुप्त अंग में खारिश थी, ये बड़ी प्रॉब्लम में थी, बहुत मेडिसिन खाई, बहुत कुछ किया, पर छुटकारा नहीं मिल रहा था। आ तो रहे थे, बोलो क्या है, परमेश्वर जानता है आपको उसने कैसे छुटकारा देना है, कैसे उसने बढ़ाना है, कैसे आपके जीवन में बड़े काम करने, इसलिए वो अपना वचन देता है। बोलो क्या, अपना वचन देता है। जब मार्च महीने में आकर इन्होंने वचन को पूरा किया,
क्या किया बोलूं? तो खुदा ने एक साल की उस शर्मिंदगी से फ्री किया है। क्या कर दिया? एक साल की शर्मिंदगी से फ्री कर दिया है। फ्री, ये छोटी सी बात नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है, जिसने इतनी उस बात के लिए मेडिसिन खाई, बोलो क्या खाई? एक औरत के लिए अगर अजीब है, थोड़ी शर्म की बात है ना, अगर किसी को खारिश होगी तो वो खारिश तो करनी पड़ती है, तो एक शर्म की बात भी है। पर इसी तरह से परमेश्वर अपना वर्ड देकर हमारी शर्मिंदगियों को ढकता और खत्म करता है। क्या करता है? और इसकी शर्मिंदगी को जब इसने वचन पूरा किया, अपने सुना कि उस जख्म बन गए थे, जख्म क्या बन गए थे? खारिश कर करके जख्म बन गए थे और स्मेल भी आनी शुरू हो गई। और ये मेरी बात हुई थी उन दिनों से, ये परेशान थे, तो मैंने हमेशा कहता था नहीं, परमेश्वर आपको फ्री करेगा। बोला क्या करेगा? और जब खुदा ने फ्री होने का वचन दिया, फरवरी महीने में तो नहीं पूरा कर पाए, मार्च में किया, आज उस शर्मिंदगी से फ्री कर दिया, आपके सामने है। आज कितने दिन हो गए? जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। एक महीने तो प्लस हो गए पापा जी, हुण मैं बिल्कुल ओके आ, नहीं तो मैंने दो अच्छे से। हाँ जी, इन्होंने अच्छे से चेक किया है, आज पूरा एक महीना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ा काम है, क्योंकि जब हम वचन पूरा करते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। बोलो क्या है? लोग सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं। क्या नहीं बोलो? तुम करके देखो, उनको पूछो, देखो जो आज आए हैं ना, बोलो क्या है? उनको पूछ कर देखो जो आज आए हैं, ये 15 साल से देखो ये बहन कितनी परेशान है, 15 साल हो गए इसे, क्या नहीं किया? सब कुछ किया, जो किसी ने कहा, हर जगह गए, हाँ सब कुछ किया, पर छुटकारा नहीं मिल रहा। देखो हम जानते हैं छुटकारा वो किसके नाम से, पर जब वो आपको वचन देता तो उसको मानो, वो पूरा करो। क्या करो? क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए अपना जीवन दिया है ताकि तुम वो जीवन जियो। बोलो क्या जियो? तुम वो जीवन जियो, पर उसके वचन को पूरा करना पड़ेगा। तारीफ करो इस बात के लिए जो खुदा ने एक साल की शर्मिंदगी से इन्हें फ्री कर दिया है। जोर से तारीफ करो।